तो दोस्तों, आपको अगर है इलेक्ट्रॉनिक्स और रिपेयरिंग से प्यार, तो जुड़ जाइए हमारे इस छोटी सी फैमिली के साथ सब्सक्राइब बटन और बेल आइकॉन दबा के। तो दोस्तों, कैसे हो आप सब? मैं आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। और आज की इस वीडियो में दोस्तों, आज हम एक और स्कीमेटिक डायग्राम टूल का रिव्यू करेंगे। वैसे तो ऑलरेडी जो है हमने कई टूल के ऊपर रिव्यू कर भी रखा है, उनका मैंने बता भी रखा है किस तरीके से यूज़ है। उसमें कुछ फ्री वाली भी थी और कुछ उसमें पेड भी थी, ठीक है। तो दोस्तों, आज जिस टूल का हम रिव्यू करेंगे उसका नाम है रीफॉक्स। रीफॉक्स जो है दोस्तों एक स्कीमेटिक डायग्राम टूल है। इसके जो डेवलपर्स हैं वो है रेवा टेक्नोलॉजीज, और ये जो टूल आती है आपको फ्री में मिलती है। इसके लिए आपको किसी भी तरह का कोई पे करने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो आज हम इसी का रिव्यू करेंगे और देखते हैं कि इसमें हमें कौन कौन से स्कीमेटिक डायग्राम्स मिल जाते हैं और किस तरीके से ये टूल जो है काम करती है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं। और दोस्तों, अगर आपने अब तक वो वीडियोस नहीं देखी हो जो मैंने और स्कीमेटिक डायग्राम टूल्स के ऊपर बना रखी है, तो उनका लिंक भी जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और उसमें कुछ जो फ्री है उनके ऊपर भी मैंने बना रखी है, और जो पेड है उनके ऊपर भी जो है मैंने वीडियोस बना रखी हैं। अगर वो आपने अभी तक नहीं देखी हो तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जो है आप देख सकते हैं उनको भी। तो चलिए फिलहाल हम देखते हैं कि ये रीफॉक्स टूल किस तरीके से काम करती है और ये कितने हमारे लिए काम की है या नहीं है और क्या कुछ इसमें हमें मिलता है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले जो है दोस्तों, आपके पास जो है एक, जैसे मैं हर बार बताता हूँ, एक अच्छा इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। वो मैं इसलिए कहता हूँ क्योंकि ये जो स्कीमेटिक डायग्राम्स होते हैं ये ऑनलाइन डाउनलोड होते हैं। अगर आपके इंटरनेट की स्पीड कम होगी तो उसमें हो सकता है कि फिर आपको प्रॉब्लम हो। तो इसलिए मैं ये बात कहता हूँ कि इंटरनेट कनेक्शन अच्छा होना चाहिए। इसके बाद दोस्तों, आप जो है जाइए अपने क्रोम ब्राउज़र में। क्रोम ब्राउज़र में जाने के बाद जो आपको यहाँ पर सर्च बॉक्स दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आपको लिखना है reefoxteam.com। ये मैंने ऑलरेडी यहाँ पर सर्च किया हुआ है, तो ये यहाँ पर आ रहा है reefoxteam.com। ये आई होप कि आपको सही दिख रहा होगा। तो इस पर सिंपली आप एंटर कीजिए, और जो पहले वाला आपको लिंक यहाँ पे दिखाई दे रहा है इस पर जो है आप क्लिक कीजिए। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों, इनका कुछ इंटरफेस कुछ इस तरीके से खुल जाएगा, जो ये जो वेबसाइट है। तो दोस्तों, अगर आप जो है मैक ओएस यूज़ करते हैं तो तब जो है आप इस पर क्लिक कीजिएगा, यहाँ से जो है आपका मैक ओएस के लिए डाउनलोड हो जाएगा ये टूल। और अगर आप विंडोज़ यूज़ करते हैं, ज़्यादातर तो जो मेरे भाई लोग हैं वो सब विंडोज़ ही यूज़ करते हैं, तो आप जो है यहाँ पे क्लिक कीजिए, एक सिंपल क्लिक में जो है डाउनलोड हो जाएगा। और यहाँ पे जो है हम इसको ओके कर देते हैं, और इसको जो है ये मैंने ऑलरेडी डाउनलोड यहाँ पे किया हुआ था, तो इस वजह से यहाँ पे ओपन दिखा रहा है। तो जब दोस्तों आप इसको डाउनलोड कर लोगे तो आपको जो है इसको एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा यहाँ पे। तो मैं अभी जो है इसको एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ, और यहाँ पे जो है मैं डेस्कटॉप जो है सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो अब जो है एक्सट्रैक्ट यहाँ पे हो जाएगा। तो अभी देखते हैं कि ये कहाँ पे गया है, ये यहाँ पे आ गया है। इसको ज़रा हम साइड में ले लेते हैं। तो इस तरीके का जो है दोस्तों आपके पास एक फोल्डर बन जाएगा। अब क्या है कि ये जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है रीफॉक्स, इस पे जो है आप क्लिक कीजिए, इसको ओपन कर लीजिए, और यहाँ पे ये आपसे मांगेगा लॉगिन आईडी और पासवर्ड। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके से आपको साइन अप करना है, नहीं तो फिर बहुत से भाई ये लिखते हैं कि साइन अप नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ साइन अप पे जाइए। साइन अप पे जाने के बाद दोस्तों, यहाँ पे जो है आप अपनी कोई भी ईमेल आईडी दे दीजिए, लेकिन ईमेल आईडी जो है आपकी वर्किंग होनी चाहिए वो, ठीक है। अगर वर्किंग नहीं होगी तो फिर उसमें आपका जो कोड आता है इनकी तरफ से वो कोड नहीं आ पाएगा। तो चलिए मैं यहाँ पे एक अपनी ईमेल आईडी डाल देता हूँ। और यहाँ पे जो दोस्तों पासवर्ड है, पासवर्ड जो है आप कोई अच्छा सा अपने लिए सेलेक्ट कर लीजिए। अपना कुछ नेम डाल दीजिए, मान लीजिए यहाँ पे हम डाल देते हैं कुछ भी यूजर नेम आप डाल सकते हैं। मैं डाल देता हूँ यहाँ पे टीम ASH, जो आपको ठीक लगे वो डाल दीजिए।
अब यहाँ पे जो टेलीफोन आपको दिखाई दे रहा है, तो टेलीफोन में जो दोस्तों आप कोई अपना टेम्परेरी डाल सकते हैं, इसमें कोई ऐसा नहीं कि आपको कोई अपना वर्किंग नंबर देना है, ठीक है, टेम्परेरी दे दीजिए वैसे ही आपका। तो इसमें मैं कोई भी टेम्परेरी नंबर डाल देता हूँ। इसके बाद अपनी कंट्री सेलेक्ट कीजिए। अब कंट्री तो हमारे इंडिया है, तो इंडिया हम सेलेक्ट कर लेते हैं। और यहाँ पे जो क्रिएट एन अकाउंट आपको दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे जो है आप क्लिक कीजिए। इसके बाद जो है दोस्तों आपने जो इसमें अपने ईमेल आईडी डाली थी, तो वहाँ पे जो है एक ईमेल आ जाएगा आपके पास, और वहाँ से जो है आप उसको फिर अकाउंट को एक्टिव कर सकते हो। तो यहाँ पे जो है अगर आप देखें, तो मैंने अपना अकाउंट ओपन यहाँ पे कर रखा है, और ये जो है अगर आप देखें तो रीफोक्स टीम की ओर से जो है एक मैसेज आ भी गया है मैं यहाँ पे मेरे अकाउंट को एक्टिवेट करने के लिए। तो चलिए अभी मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, और यहाँ पे जो है ये लिंक यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है, तो इस लिंक पे हम क्लिक कर लेते हैं, तो यहाँ से जो है एक्टिव हो जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ आ गया है, एक्टिवेट सक्सेस, ठीक है। तो ये आपका अकाउंट जो है यहाँ पे बन चुका है। अब बस आपको करना क्या है, ये जो आपका लॉगिन आईडी यूज़र नेम यहाँ पे आ रहा है और पासवर्ड आ रहा है लिखा हुआ, बस आपको सिंपली या तो आप वो डाल सकते हैं जो आपने अभी हमने बनाया था, जैसे कि हमने बनाया था टीम ASH, और या फिर आप यहाँ पे डाल सकते हैं, ये भी डाल सकते हैं जो इन्होंने यहाँ पे दिया है D15 वाला। तो चलिए हम इसको कॉपी कर लेते हैं। और यहाँ पे अपना वो पासवर्ड डाल देते हैं जो अभी हमने पासवर्ड बनाया था, ठीक है। और यहाँ पे जो है रिमेम्बर मी है, तो इसको आप क्लिक ही रहने दे, जब आप इसको ओपन करोगे तो आपका आईडी पासवर्ड यहाँ पे रहेगा। और अगर आप ऑटो लॉगिन करना चाहते हैं, जैसे कि मतलब आपके सामने पेज आई ना और डायरेक्ट ओपन ही हो जाए, तो यहाँ पे ऑटो लॉगिन पे भी आप जो है टिक कर सकते हैं। तो चलिए इसको हम लॉगिन कर लेते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से जो है इसका कुछ इंटरफेस आपके सामने खुलने में आ जाएगा, और अब जो है हम इसमें देखते हैं कि ये किस किस तरह के स्कीमेटिक डायग्राम्स हमें प्रोवाइड करता है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको यहाँ पे अगर दिखाई दे रहा हो, तो ये तो इनके अपडेट्स हैं, तो यहाँ पे इनके अपडेट्स वगैरह आते रहते होंगे कि जो ये लेटेस्ट अपडेट करते रहते होंगे वो सब। और इसमें जो है आईपैड वगैरह के जो है आपको मिल जाते हैं। चलिए कोई सा ओपन करके देख लेते हैं, जैसे कि बिट मैप है, तो इसको हम ओपन कर लेते हैं। तो इस तरीके से जो है दोस्तों इसका बिट मैप खुल जाता है। अब ये तो मैंने आपको बताया था कि इसका सबसे ज़्यादा यूज़ क्या होता है, कि मान लीजिए आपको जो है कोई ट्रैक आपसे मिस हो गया है और आपको नहीं पता चल पा रहा कि इसका जो ट्रैक है वो कहाँ पे जा रहा है। तो इस बिट मैप का फ़ायदा ये होता है कि आप जैसे मान लीजिए किसी भी बॉल पे क्लिक कर देते हो, तो आपको पता चल जाता है कि उसका ट्रैक कहाँ कहाँ तक है, जैसे कि वही फिर जो है इतनी रेड हो जाती है आपके, तो वहाँ से जो है आप बहुत इजीली जंपर मार सकते हो। जैसे आप कहीं भी क्लिक कर दोगे तो उसके वो इतना ही एरिया जो है रेड हो जाएगा, तो इससे पता चल जाता है कि मतलब कि उसकी लाइन कहाँ कहाँ तक है। और दोस्तों अगर हम यहाँ पे जो है इसका स्कीमेटिक डायग्राम वगैरह भी मिल जाता है, तो चलिए इसको हम एक बार देख लेते हैं ओपन करके क्या किस तरीके से ओपन होता है। साथ में जो है इसमें यहाँ पे आईफोन वगैरह के भी आपको मिल जाते हैं, iPhone 5, 5C, ये सब ये इसमें आपको मिल जाते हैं। तो चलिए अभी देखते हैं कि जैसे इसमें स्कीमेटिक डायग्राम ये खुल गया है आपके सामने। तो अगर आप दोस्तों आपसे स्कीमेटिक डायग्राम नहीं आता होगा समझना, तो इसके लिए भी मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखी है, वो भी आप देख सकते हो, उसका लिंक भी जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए आईफोन का भी कोई सा देख लेते हैं, जैसे कि हमारा 6S, इसको खोल लेते हैं। 6S तो खैर पुराना हो गया, कोई लेटेस्ट खोलते हैं, जैसे कि iPhone 11 Pro Max, तो इसको ओपन करते हैं। चलो तो इस तरीके से जो है इसका दोस्तों बिट मैप खुल जाता है, लेकिन इसमें तो इन्होंने स्केमेटिक डायग्राम नहीं दिया, और इसमें जो है ज़्यादा हम एस्पेक्ट भी नहीं कर सकते, क्योंकि फ्री में मिल रहा है, अब फ्री में जितना है काफ़ी होता है, फ्री में जो मिल जाए वही सही है। लेकिन अगर हम पेड करते तो हाँ, तब शायद हम एस्पेक्ट करते कि हाँ इसके साथ स्कीमेटिक में मिले, लेकिन फ्री में जितना मिल रहा है सही है, क्या दिक्कत है। तो इसका भी वही है, आप जिस तरीके से मतलब अगर आपको ट्रैक वगैरह फाइंड करने हो, और तो बस उस पर आप क्लिक कीजिए, तो बहुत ईजिली जो है वो आपके हो जाते हैं।
ये सब तो मैंने आपको बताया था किस तरीके से। और यहाँ पे जो आप अगर आप देखेंगे तो ये डबल व्यू टू डायग्राम सेटिंग्स, कलर टेम्पलेट, तो कलर वगैरह भी जो है आप इसमें चेंज कर सकते हैं जैसा अपने अकॉर्डिंग जो आपको ठीक लगे। और इसमें देख लेते हैं और कुछ काम का हो तो सैमसंग के भी इन्होंने कुछ दिए हैं जैसे कि A5000, A7, तो सैमसंग वगैरह के भी कुछ खास इनमें नहीं है, लेकिन पर ये है कि इन फ्री टूल को रख के ये फ़ायदा है। मान लीजिए भाई अभी आप बड़ी टूल नहीं ले रहे कोई, जैसे कि ZSWF फाइंडर वगैरह, आप नहीं चाहते कि अभी मैं कोई पैसा इन्वेस्ट करूँ इस चीज़ में, तो फ्री रख लीजिए। क्या पता इनमें से कोई आपके पास फ़ोन आ जाए और आपका बन जाए वो इनकी हेल्प से, तो बेटर ही है ना। और दोस्तों इसमें जो है, चलिए हम देख लेते हैं हुआ के देख लेते हैं कौन कौन से मॉडल मिलते हैं। यहाँ पे जो है सी मॉडल, सी सीरीज है, यहाँ पे इनका कोई ये है, इन्जॉय है, ये सब यहाँ पे इन्होंने कुछ दिए, होनर के कुछ मॉडल्स यहाँ पे दिए हैं। तो यहाँ पे इनकी कुछ पी सीरीज मिल जाती है और टी वगैरह वाई सीरीज में भी कुछ है। तो ये यहाँ पे इन्होंने कुछ इसमें मॉडल दिया है हुआई में, सैमसंग में यहाँ पे इन्होंने कुछ मॉडल दिए हैं, और आईफोन के तो खैर इसमें सारे ही हैं। सबसे ज़्यादा मज़े तो उन भाइयों के हैं कि मतलब जो आईफोन वगैरह का काम करते होंगे, जिनका काम ही सारा आईफोन का है, तो उनको तो मुझे नहीं लगता किसी डायग्राम वगैरह टूल को ख़रीदने की ज़रूरत है, क्योंकि सब कुछ तो यहाँ पे फ्री मिल ही जा रहा है। तो फिर डायग्राम टूल ख़रीद के कोई फ़ायदा मुझे लगता नहीं कि आप डायग्राम टूल आपको ख़रीदनी चाहिए। एक्चुअल में दोस्तों ये जितनी भी टूल्स हैं ये सब बनी हुई हैं आउट ऑफ कंट्रीज़ के, तो वहाँ पे ज़्यादातर जो है आईफोन्स वगैरह चलते हैं और ये सैमसंग वगैरह चलते हैं। तो इस करके जो है आई थिंक मुझे लगता है कि इन्होंने इसी चीज़ पर फोकस किया है, अदरवाइज़ जैसे हमारे यहाँ पे माइक्रोमैक्स, लावा वगैरह ये सब चलते हैं तो ये तो वहाँ पे नहीं चलते। तो वही रीज़न है कि उन सब में सब मॉडल जो हैं इसमें ऐड नहीं है, लेकिन हाँ जितने हैं ठीक है। मान लीजिए कोई आपके पास कोई हैंडसेट आ जाता है तो आप इसकी हेल्प से जो है ईजिली उसको रिपेयर कर सकते हो, और जैसे मैंने आपको बताया कि काम अगर आपका आईफोन का है तो फिर तो आपके मज़े हैं, कोई आपको डायग्राम स्कीमेटिक डायग्राम टूल खरीदने की कोई उसमें ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी, इसी से ही जो है सारा काम आपको हो जाएगा। तो दोस्तों मुझे इस टूल के बारे में बताना था क्योंकि ये टूल मेरे को सही लग रही थी, और दूसरी बात ये फ्री में थी है, तो आप भी जो है डाउनलोड अगर इसको करना चाहोगे तो कर लीजिएगा तो आपके काम आ जाएगी। और दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा, और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को जो है आप सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।